हाँ राम कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे हमेशा मिलके खुशी होती है। जब मैं 1967 में प्रयाग जी के साथ गोल मार्केट में आपके स्टूडियो आया था, जब हम लोग आरंभ पत्रिका निकालते थे, ठीक है, तो पहली बार मैं तब 18 साल का था और आज मैं 50 साल बाद तो उस दिन की मुझे अच्छी याद है। अच्छा। ये मुझे बताएं, जो एक बात मैंने कई बार मैंने सोची चुकी, आप एक मैंने एक कंडक्टर हैं जॉर्ज सोल्टी, जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के काफी नामी कंडक्टर हैं, उनका एक मैंने एक बार इंटरव्यू पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे बीथोवेन की सिम्फनीज हैं, वो अगर आप 20 साल की उम्र में कंडक्ट करते हैं, 40 साल की उम्र में कंडक्ट करते हैं और 60 साल की उम्र में कंडक्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब एक क्रिएटिव जो आप उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, क्योंकि बनारस आप के जीवन में एक महत्वपूर्ण, आपके कला में खासतौर पर महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो 1960 में आप गए, फिर बाद में भी गए, और मेरे ख्याल है आप मुझे आखिरी बार जो बनारस गए थे तो कितने साल हो गए होंगे आपके? कोई 10 साल के करीब। 10 साल हो गए हैं, तो यानी कि आप 82 साल में भी गए। हाँ, यानी कि 60 से लेकर आप 2006 तक गए, तो अलग अलग जो लंबे गैप के बाद आप गए, तो आपको उस दुनिया में और अपनी दुनिया में कोई खास फर्क नजर आया? हाँ, तो वो तो हर बार फर्क नजर आता था, जब भी नई तरह से, जब भी नई विजिट होती थी बनारस के लिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया तो दिखाई देता था। कभी ये नहीं मालूम पड़ा कि ये तो देखा हुआ है पुराना, कभी और मालूम पड़ता था कैसा कि एक ज़िंदगी सफिशेंट नहीं है बनारस को जानने के लिए। बनारस के अंदर जो अंधेरी गलियां छिपी हुई हैं, उनको जानने के लिए बहुत समय चाहिए, और ये ज़िंदगी एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है उसके लिए। तो लेकिन जितना होता है उतना ही सही, चलो ये मैंने सोचा। लेकिन पहली बार तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत स्ट्रांग था। 1960 में हुसैन के साथ गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो पहली बार तो चिलपत राय जी थे तब, तो चिलपत राय जी ने कहा था पहले अल्लाहाबाद आ जाओ, यहाँ से चले चलेंगे साथ, और गुरुद्वारियों में उनका घर भी था, तो हम लोग वहाँ चले गए। पहले अल्लाहाबाद चले गए, वहाँ से बनारस चले गए। तो पहला एक्सपीरियंस रहा, हम रात को कोई 10 बजे करीब पहुँचे, तो सर्दी के दिन थे, काफ़ी सन्नाटा सा, कुत्ते भूंकते हुए, बड़ा भयानक सा चित्र मेरी आँखों के सामने सा। अगले दिन से तो खैर अच्छा हो गया, लेकिन पहला अनुभव बहुत वैसा था, डराने वाला। अच्छा, तो पहली रात का? हाँ, पहली रात का, पहली हाँ बनारस में पहले पहुंचने का। तो हुसैन साहब के साथ आप मतलब उस मकान में रहे कुछ? हाँ, एक हफ्ता रहे। हुसैन तो ज्यादा रहते नहीं थे, वो उनके पाँव में तो चक्कर रहते था, उनका पैसा चलता हूँ, मैं कहता तुम तो जाओ मैं तो रुकूंगा अभी यहाँ। हुसैन ने शुरू किया, हुसैन ने कहा चलो हम इकट्ठे ट्वर्क पे नहीं करते हैं, फिर सवाल उठाइए जितपत राय जी का और बनारस का। तो श्रीपत राय लेकिन नहीं थे वहाँ, आप लोग दोनों ही थे? नहीं, श्रीपत राय जी भी थे। अच्छा, उन दोनों बनारस में साथ ही रहे? अच्छा, साथ में थे। हाँ, उन्हीं का घर तो था। हाँ नहीं, वो तो हाँ बल्कि वो भी जीवित थी, उनकी मदर शिवानी। अच्छा, तो वहीं रहती थी? हाँ, वहीं रहती थी ऊपर। तो उस विजिट में आप तो फिर ज्यादा दिन रहे, 7 दिन तब तो? हाँ, मैं तो 15 दिन के करीब रहा था। तो उसने उस विजिट ने आपके चित्रकार को जाहिर है बहुत प्रभावित किया, लेकिन क्या आपके भीतर के कहानीकार पर भी कोई असर पड़ा उस विजिट? वो तो हाँ टोटल था उसमें, बड़ी चित्रकार के रूप में कम होकर और चीज़ों में बनारस से के साथ जो जुड़ी हुई थी स्मृतियाँ वो उजागर हुई एक बार से, जब से साक्षात्कार हुआ पहली टाइम, क्योंकि आखिर बनारस का तो जब दो तो हमेशा हिंदी की
उपन्यासों में काशीवास काशीवास का नाम सुनते आ रहे थे और कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उसका पेंटिंग से ताल्लुक कम था और साहित्य से अधिक था। लेकिन तब समझ नहीं आया कि इसको पेंटिंग के रूप में कैसे प्रेजेंट किया जाए बनारस को। था तो बड़ा लाइवली तरह का, सारे एक एक घाट अपने में ही थे जिनको के चित्रित करने में काफी समय लगता था। तो उन दोनों आप स्केच वहाँ करते रहे? हाँ, स्केच करते रहे। स्केच बलि कुसेन कहते थे, तुम तो एक तरफ से जाओ, मैं दूसरी तरफ से आता हूँ, साथ नहीं रहेंगे हम, और शाम को आकर यहीं आके फिर देख लेंगे कि क्या क्या बनाया हम लोगों ने। हुसैन ने तो काफ़ी रियलिस्टिक करने के बनाए घाटों पे लोग, वो मेरे से में ये घाटों का और ह्यूमन मानव आकृतियों का चित्रण करना संभव नहीं हो पाया, मतलब ऑन द स्पॉट। हाँ, ऑन द स्पॉट नहीं संभव। हाँ, नहीं आया कि इतनी ज़्यादा होती कि उनको चित्रित कैसे करूँ, ये मेरी समझ नहीं आया। एक आकृति बनाकर नहीं हो पाता था, वहाँ तो हजारों की तादाद में और अलग अलग तरह के वो थे। पर उस समय आप शायद ग्रीस की विजिट का भी आपके एब्स्ट्रैक्शन में ग्रीस की विजिट का भी असर था। ये ग्रीस से आते ही आने के बाद ही तुरंत हुआ ये। एक बार जब मैं यूरोप में गए, वो ग्रीक का ये बियनाल में गया था, तो उसके बाद फिर ग्रीस में चला गया, तो और ग्रीस का बहुत अनुभव बहुत बहुत रिच था, और जो 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 थोड़ा बहुत रियलिस्टिक तरह का था वो खत्म सा हो रहा था। तो फिर आते आते तक बिल्कुल ही काफ़ी खत्म हो गया। फिर जो होता कि एब्स्ट्रैक्ट तरह का में काफ़ी प्रकट किया जा सकता है और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में ही प्रकट किया जा सकता है। लेकिन आपने एक चिट्ठी में लिखा है निर्मल ने आपको, तो आपने उसमें एक चिट्ठी जो आपकी भी छपी है उसमें, उसमें आपने थोड़ा डाउट किए हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के रास्ते के। उस समय उस दौर में आपके मन में कुछ शक था कि ये जो मैं ये रास्ता अपना रहा हूँ शायद ये सही है। ये तो सही था। देखिए तभी तब तक तो मैं फिगरेटिव तरह के कामों से अपने आप को चित्रित करता रहा था, लेकिन जब चेंज होने को हुआ तो समझ नहीं आया कि ये ठीक है या गलत है, या कहाँ तक ठीक है, या कहाँ तक इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए, कहाँ तक वो फिगरेटिव रहने दिया जाए। ये सब दुविधाएँ थीं और इसके कुछ कदम उठाने थे उसके लिए। तो मतलब पशुपेश में थे उस समय, पशुपेश से ये लगता है। पशुपेश में तो देखिए जब कोई नया चीज देता है तो पशुपेश में तो हो ही जाता है। वो सोच बल्कि एक बार मैंने हुसैन से कहा, तो हुसैन ने कहा कि ये एक ही तो रास्ता अपनाओगे तुम, रास्ते तो उसके 10 हैं लेकिन तुम तो एक ही तो अपना सकते हो, गलत है चाहे सही है जो भी है।